जो बिल्कुल की तली के पत्थर है वो कैसे निकल आए, और नजारा देखिए भाई साहब, शाम का विहंगम दृश्य। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं हर की पौड़ी पे, बहुत दिनों बाद देखिए ताजा ताजा हाल आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे झगड़ा चल रहा है भाई साहब, भाई लड़ाई चल रहा है और लोग देख रहे हैं तमाशा। तो 7 फरवरी के दिन हर की पौड़ी के आपको मैं दिखा रहा हूँ, तो कमेंट में हर हर गंगे लिखते जाए। तो ये वाले ब्रिज जो हमें सीधा जोड़ देता है अंदर, यहाँ पे हमेशा भीड़ रहने लग गई, और जब सीजन चलता है तब तो बहुत ही ज्यादा पाँव रखने को जगह नहीं होती। तो पहुंच चुके हैं हर की पौड़ी, ये भागीरथ सेतु पे ही पहुंचे हैं सीधे, और यहाँ से मैं आपको पहले दर्शन करा देता हूँ गंगा जी के। और आज बहुत ही कम जल है, दिख रहा है जल बहुत कम है आज, बिल्कुल नीचे की तली दिख रही है, वजह है पता नहीं। और सामने देखिए बहुत अच्छा सा मौसम है, बहुत अच्छी हवा लग रही है यहाँ पे, और खासकर ब्रिज पे खड़े होके कितना नीचे के आपको पत्थर क्या कपड़े तक जो पड़े हुए हैं गंगा जी में सब देखने को मिल जाएंगे। इस तरफ का और हाल मैं आपको दिखा दूँ। तो आज 7 फरवरी के दिन मैंने कहा आज आपको अपडेट दे दी जाए, और कांवड़ वगैरह का क्या हाल है। तो कांवड़ का मेला भी शुरू हो चुका है, लोग आ रहे हैं थोड़े थोड़े करके कांवड़िए। जो मेन कांवड़ होती है जो होती है सावन वाली, और ये जो हम मुख्य वाली गंगा जी में, तो देखिए इस पट्टी तक तो मिनिमम गंगा जल रहता ही था, पर इससे भी 2-2.5 फीट नीचे चला गया है। ये यहाँ देखिए कितना कम दिख रहा है आपको कि लोग सामने भी बीच में जाके बना रहे हैं वीडियो। और ये धनुष पुल दिख रहा है, पर जल बहुत साफ है, क्वालिटी बहुत क्लियर, बहुत ही साफ, थोड़ा थोड़ा सा जल आ रहा है। अगर मैं आपको इस तरफ ले आऊं, बहुत तेज़ी से यहाँ पे जो फ्लो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, पर यहाँ देखो बिल्कुल नहीं है। और देखो लोगों को बाहर निकलना पड़ रहा है, रेलिंग से बाहर निकल निकल के नहाना पड़ रहा है। देखिए सीढ़ी पे बैठी हुई हैं अम्मा जी, बहुत कम है जल। अब आ गए इस तरफ वाली गंगा जी में, जो कि धनुष पुल के इस तरफ है। और देखिए जो ये सामने जो पिलर का बेस है, इनकी जो बेस है वो बिल्कुल साफ दिख रहा है, ये दिखता नहीं है कभी भी, पर आज देखिए बिल्कुल साफ साफ आपको नजर आ रहा होगा, क्योंकि पानी को पीछे से बहुत कम कर दिया गया है। तो परेशानी हो रही है नहाने में यहाँ पे अभी फिलहाल। और देखिए अब आ चुके हैं हम महिला घाट के सामने, और महिला घाट के सामने अब तो वो दिख रही है ये पंक्ति, ये लोगों की ये आरती के लिए बैठी है, जो आरती के दर्शन होंगे सामने सामने। ये तख्त जो होते हैं यहाँ पे आरती होती है, तो आरती को देखने के लिए यहाँ पे बैठ गए आके। और अभी आपको ताजा हाल हर की पौड़ी का मैं दिखा रहा हूँ, और बीच में देखिए लोग कैसे कैसे काम करते हैं यहाँ पे आके, जो आपको नहीं करने चाहिए, क्या बात है। देखिए चेन के बीच में, तो ये काम ना करें आज, जैसे जल कम है पर कभी भी जल जैसे आ सकता है, ये देखिए। तो बड़ा जोखिम में डाला जा रहा है, क्योंकि गंगा जी को कोई भी हल्के में ना ले, गंगा जी से ना कोई जीत सकता है ना निकल सकता है। देखिए और सामने पूरा नज़ारा देख रहे हैं, पूरी हर की पौड़ी यहाँ से तमाम दिखती है, सामने सनसेट हो रहा है, और जो ये सनसेट की जो रोशनी पड़ती है गंगा जी में, इसके बाद देखने लायक होता है सारा। मैं देखिए इसी चेतावनी की बात कर रहा था, यहाँ पे सामने इस स्थान पर गहरा गड्ढा है, पानी का वेग बहुत अधिक है, जिससे बहने का खतरा रहता रहता है। देखिए यहाँ पे चेतावनी का बोर्ड लगा है, और यहाँ पे लोग मजे ले रहे हैं, और नीला नीला जल, और लोग अंदर देखिए चेनों में घुस घुस के नहा रहे हैं। देखिए तो ये बड़े रिस्क वाले काम कर रहे हैं, चोट खाने वाले काम। अभी तो पानी कम है, पर अगर पानी ज़्यादा होता तो कुछ भी हो सकता है। और देखिए कैसे लेट लेट के नहाना पड़ रहा है, अब आप अभी ये देख लीजिए कि अभी कितना हर की पौड़ी पे पानी कम है, कितना कम है, कैसे लेट लेट के नहाना पड़ रहा है। और जो आपको ये सामने घाट दिख रहा है, इसे बोलते हैं वीआईपी घाट, यानी जो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं उन लोगों को यहीं पे नहलाया जाता है। पर वीआईपी घाट ऐसा मुझे लगता है ऐसा होना नहीं चाहिए, लोगों को बांटना नहीं चाहिए इस तरीके से कैटेगरी में, सब माँ गंगा के लिए सब बराबर है, पर इसे वीआईपी घाट बोलते हैं। ये रहा सामने, तो देखिए जो बिल्कुल की तली के पत्थर है वो कैसे निकल आए, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, मतलब बिल्कुल बहुत नीचे नीचे पानी है, आप अगर डुबकी भी लेना चाहें तो डुबकी लेने लायक भी नहीं बचा अभी फिलहाल। तो इसकी वजह अभी पता नहीं है कि क्यों हुआ है, पर देखिए बिल्कुल अचानक से एकदम सारा जल
आपको कम दिख रहा होगा, ये देखो कैसे बिल्कुल पूरे पूरे सब पत्थर निकल आए हैं, नीचे का सब कुछ दिख रहा है। 5-6 इंच, बस 5-6 इंच का पानी होगा यहाँ पे, फिट में भी नहीं है। दोस्तों अभी हर की पौड़ी में आपको लेके आया, हर की पौड़ी पे मैंने आपको दिखाया है कैसा चल रहा है। अभी बहुत थोड़े थोड़े लोग दिख रहे हैं और कावड़ शुरू हो चुकी है, और हरिद्वार में इस टाइम हर की पौड़ी में खासकर जल बहुत ज़्यादा कम है। अब जब जब आएगा तो एक अपडेट की वीडियो और बनाऊंगा, फिलहाल तो जल नहाने में भी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, पर आ रहा जल बहुत साफ है। अब आगे चलते हैं और हरिद्वार का और ताज़ा अपडेट आपको मैं दिखाता हूँ मोटर ब्लॉगिंग करते हुए। हर की पौड़ी से निकल के आ गए, अब चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ फ्लाई ओवर बन रहा है दूधारी। बहुत दिनों से बहुत जने बोल रहे थे कि आप उसका अपडेट ही नहीं देते, पहले देते थे, तो मैंने कहा लगे हाथ ले लिया जाए, आपको बता दिया जाए। ये जगह पड़ती है खड़खड़ी, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तो ये वाला जो फ्लाईओवर बन रहा है ये खड़खड़ी के जो नीचे वाले रास्ते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा जाम लगता था। अगर हरिद्वार में सबसे ज़्यादा कहीं पे जाम लगता है तो यहाँ पे लगता है, तो जाम की वजह से ये वाला जो आप देख रहे हो यहाँ से फ्लाईओवर स्टार्ट हो रहा है। ये फ्लाईओवर का काम वैसे तो कुंभ में हो जाना था, पर इसे और थोड़ा बढ़ाया गया है। खड़खड़ी और शांति कुंज दोनों दो फ्लाईओवर जोड़ के एक फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। ये देखिए आप, जो पिलर के काम शुरू हो चुके हैं, ये पूरे पिलर के काम हो गए, बस अब इसमें बेस डलेगा और नीचे फिर ये पूरा पिलर का काम है, यहाँ से ऊपर उठ जाएगा। और ये बहुत लंबा फ्लाईओवर, तो देखिए किस तरीके से चल रहा है जेसीबी वगैरह का, क्रेन वगैरह का काम, जो पूरी संभावना है, जो यहाँ देखिए ये बेस बन रहा है बड़ा सा, पूरी चांस है कि कांवड़ मेले से पहले से खोल दिया जाएगा, वरना इस तरीके से अगर कांवड़ मेला हुआ तो पूरा हरिद्वार जाम हो जाएगा, पूरी तरीके से रोड जाम हो जाएगी। तो इसे पहले ही तैयार करने की पूरी पूरी कोशिश है, अब लग के काम होगा, 6 महीने का समय है, तो 6 महीने में इसे तैयार कर लिया जाएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे तो बेस तैयार हो चुका है, और ये वाला जो चौक है इसे बोलते हैं खड़खड़ी चौक अभी तक यहाँ पे, और इसके बाद ये वाला जो एरिया है सिर्फ सदन के आगे पड़ेगा आपका शांति कुंज। तो ये दो कंबाइंड कर दिए गए। लेटेस्ट अपडेट यही है कि काम को बहुत तेज़ी से बढ़ा दिया गया है, रात में भी अब काम हो रहा है, तो जल्दी से कर लिया जाएगा। दोस्तों अब पहुंच चुके हैं सबसे बड़े पुल चंडी पुल पे, तो चंडी पुल पे भी ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जैसा कि आपको पता होगा, और वो है चंडी ब्रिज। शाम का खूबसूरत नज़ारा, और हरिद्वार का सबसे लंबा और सबसे बड़ा ब्रिज है, और यहीं से हमें अपडेट मिल जाती है एक्चुअल में गंगा जी में क्या हो रहा है, गंगा जी ज़्यादा है, गंगा जी कम है, गंगा जी कैसी है, सब कुछ जो हमें मिलता है वो यहीं से मिल जाता है, क्योंकि ये है नीलधारा, ये रही नीलधारा। और इतना छिछला पानी है कि आपको देखिए साफ साफ आपको दिख रहा होगा नीचे पड़े पत्थर। ये बहुत बड़ी बात है कि नीलधारा के पत्थर दिख रहे हैं, तो कितना कम हो गया है जल, देखिए नीला नीला सा जल एकदम क्रिस्टल क्लियर, और 3 से 4 फीट ही जल है, ज़्यादा नहीं है नीलधारा में। सामने वो है भीमगोड़ा बैराज जहाँ से आता है जल, और ये जो दिख रहा है आपको ये है चंडी घाट, सबसे बड़ा घाट हरिद्वार का, उसके ऊपर है ये ऊपर चंडी देवी माँ का मंदिर, और नीचे दिख रही है आपको गंगा जी। अब मैं आपको दूसरी तरफ लेके चलता हूँ, जो दूसरा कंस्ट्रक्शन का बहुत बड़ा काम हो रहा है जिसके बारे में मैंने आपको कहा था, और वो है दूसरा चंडी ब्रिज जो बन रहा है। तो वो देखिए, आए देखिए पिलर, इसी के बराबर के पिलर जो बेस होते हैं जिसके ऊपर वो गार्डर डाले जाएंगे, तो वो आपको पिलर दिख रहे हैं, नीचे पूरा बेस तैयार है, 1, 2, 3 ऐसे करके पीछे तक, वहाँ तक तो गार्डर डाली गए हैं, ये सामने इनके ऊपर डालने का काम है। और नज़ारा देखिए भाई साहब, सूरज की रोशनी जो इस गंगा जी में पड़ रही है, कितना नीला क्रिस्टल क्लियर जल, और ये सनसेट की रोशनी अतुलनीय है। यहाँ पे दिख रही है आपको बड़ी बड़ी क्रेन जो सामान को रख रही है इन पिलरों के ऊपर। तो यही था 7 फरवरी को हरिद्वार का एक ताजा अपडेट मैंने आपको दे दिया है, छोटी सी वीडियो, दोनों कंस्ट्रक्शन के जो बड़े कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं वो भी मैंने आपको दिखा दिया, दूधारी फ्लाईओवर और ये जो बन रहा है बड़ा ब्रिज जो कि बन रहा है हरिद्वार नजीबाबाद हाईवे पे, तो इस ब्रिज का भी मैंने आपको हाल दिखा दिया है इस तरीके से। तो ऐसे ही वीडियो आती रहेगी, तो वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और इंतजार करें अगली वीडियो का। तो फिर मिलता है नई वीडियो में, नए ब्लॉग में, नए एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, हर हर गंगे, जय उत्तराखंड, नमस्कार।